व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है मेरा दूसरा दिन यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में एंड सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी दिन के 12:30 बजे हैं एंड सुबह 10 बजे से बारिश हो रही थी, तो इसीलिए मैं अभी तक बाहर नहीं गया। अब जाके थोड़ी सी रुकी है तो मैंने सोचा अब चलते हैं फाइनली बाहर। बट उससे पहले मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखा देता हूँ, मेरा एयरबीएनबी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि 15,000 से 18,000 रुपये नाइट के बीच में आपको यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन वाले एरिया में क्या मिलेगा, क्योंकि इस वक्त रेंट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये अपार्टमेंट भी मुझे मतलब इतनी मुश्किल से मिला था, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये एयरबीएनबी। तो ये है मेरा बेडरूम, बहुत ही नॉर्मल सा बेडरूम है। वहाँ पर एक डेस्क है काम वगैरह करने के लिए, यहाँ पर मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा था। एंड आई हैव वन क्लोजेट एंड यहाँ से आपको अब लिविंग रूम दिखाता हूँ। ये पूरा लिविंग रूम है एंड ये पूरा किचन एरिया। किचन भी बहुत ही बढ़िया है यार। एंड होस्ट ने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, ये सीरियल वगैरह दिए हुए हैं, कॉफ़ी मशीन, ताकि अगर आपको खाना बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। तो यार न्यूयॉर्क में मोस्टली वेदर ऐसा रहता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी एंड ग्लूमी। एंड आज से थोड़ी सी ठंड चालू हो गई है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड 20 था एंड रात को 9-10 डिग्री है, क्योंकि विंटर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है न्यूयॉर्क में। बिल्कुल वही पोलैंड वाला हिसाब है, -2-3 चले जाता है। पोलैंड में तो और ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर भी बर्फ़ फुल पड़ती है। तभी लोग मतलब स्पेशली क्रिसमस के टाइम पर बहुत आते हैं, क्योंकि पूरा न्यूयॉर्क डेकोरेटेड होता है उस टाइम पर। जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ही बताया था, वो जो रॉकफेलर सेंटर है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लगाते हैं वहाँ पे ये। एंड अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ बस टर्मिनल। ये जो अपार्टमेंट में जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे ही है। यहाँ से मुझे बस लेनी है आज पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल की, फिर वहाँ से वॉक करके जाऊँगा। आज मेरा प्लान है सबसे पहले विज़िट करने का जो यहाँ का वॉल स्ट्रीट वाला एरिया है एंड बिलियनेयर्स रो, जो लास्ट व्लॉग में मैं विज़िट नहीं कर पाया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार देखने वाली, तो चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी के मेन एरिया एंड आज एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली पहुंच गया हूं यहां पे मिड टाउन मैनहट्टन। तो मैंने आपको जैसा लास्ट व्लॉग में बताया था, यहां न्यूयॉर्क के बेसिकली जो सबसे 3 मेन पार्ट है वो है मैनहट्टन, क्वींस एंड ब्रुकलिन। एंड इवन मैनहट्टन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मैनहट्टन, मिड टाउन जहाँ पर मैं अभी हूँ, एंड लोअर मैनहट्टन। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सारा मिड टाउन दिखाया था, जहाँ पर टाइम स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, रॉकफेलर सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सारी अट्रैक्शन है। एंड आज मैं सोच रहा हूँ लोअर मैनहट्टन एक्सप्लोर करने का, जहाँ पर वॉल स्ट्रीट, 9/11 मेमोरियल, ग्रीनविच विलेज, सोहो, चाइना टाउन, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं बिल्कुल टाइम स्क्वायर के पास हूँ, क्योंकि बस ने यहाँ पर उतारा है पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। एंड यहाँ से मुझे सबवे लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं वॉक करूँगा तो यहाँ से लोअर मैनहट्टन अराउंड 1.5 घंटे की वॉक है। तो पहले यहाँ से सबवे लेके चलते हैं एंड वहाँ फिर मैं सारा वॉक करूँगा जो एरिया है। तो यार मेरा ये खुद फर्स्ट टाइम था न्यूयॉर्क की सबवे में। एंड कहते हैं कि जो ये न्यूयॉर्क की सबवे सिस्टम है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट में से एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा एंड ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क तो है, बट इतनी ज़्यादा बदबू आती है यार यहाँ के सबवे स्टेशंस पे, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि जितने भी सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, होमलेस लोग हैं, वो सारे यहीं बैठे हुए होते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी फेमस है ही। मैं फाइनली पहुँच गया हूँ यहाँ वॉल स्ट्रीट पर। एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने, जहाँ पर वो बुल का स्टैचू है। या न्यूयॉर्क में भी मतलब फुल हॉर्न बजते हैं। एंड आप वो सामने मेरे गाड़ी देखो, इतनी अजीब सी यार ये गाड़ी है, इसका नाम है वीनर मोबिल। तो ये है मेरे साइड में न्यूयॉर्क का फेमस चार्जिंग बुल। यार इतना बड़ा स्टैचू है, ये पूरा ब्रोंज का बना हुआ है एंड ये बेसिकली सिंबल है यहाँ वॉल स्ट्रीट का। एंड इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मतलब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। एंड जो मेन लाइन लगती है वो इसके फ्रंट में नहीं, इसकी बैक साइड में लगती है। लोग पिछवाड़े के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्यों खिंचवाते हैं ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हर बंदा फ़ोटो खिंचवा रहा है इसके साथ। एंड आज रियल फील आ रही है न्यूयॉर्क की, क्योंकि जब भी मूवीज़ वगैरह में न्यूयॉर्क देखा है तो हमेशा ऐसे क्लाउडी वेदर ही दिखाया है। बहुत रेयर होता है कि न्यूयॉर्क को मतलब सनी दिखाओ,
एंड कल इतना ज़्यादा सनी वेदर था। तो ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, जहाँ से पूरी स्टॉक मार्केट कंट्रोल होती है। एंड ये स्टैचू भी बहुत फेमस है यहाँ पे। ये लड़की ऐसे ऊपर देख रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। तो साइड में ये चिपोतले था, तो सोच रहा हूँ नाश्ता यहीं से कर लूँ। काफ़ी बार खा लिया चिपोतले यहाँ पे, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। तो मैंने लिया है बरीटो बोल, इसमें राइस, वेजिटेबल्स, चिकन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी है ये। साथ में एक ड्रिंक, एंड ये बोल मुझे पड़ा ड्रिंक के साथ $17 का। यार न्यूयॉर्क तो और भी ज़्यादा महंगा है। एंड गाइस, मेरे सामने है न्यूयॉर्क की वन वर्ल्ड बिल्डिंग, जहाँ पर पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होते थे 9/11 से पहले। एंड इसके भी आप टॉप फ्लोर पे जा सकते हो वन वर्ल्ड के, इसके ऊपर भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है। बट यहाँ से शायद इतने अच्छे व्यू ना आए, क्योंकि ये थोड़ा, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है लोअर मैनहट्टन, ये थोड़ा सा अलग है मिड टाउन से। एंड सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स मिड टाउन में ही हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सबसे बेस्ट व्यू आपको रॉकफेलर सेंटर से मिलेंगे। एम्पायर स्टेट से इसलिए अच्छे नहीं है, क्योंकि एम्पायर स्टेट का व्यू बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आप बिल्डिंग में ही चले जाओगे तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नहीं दिखेगी, इसलिए रॉकफेलर सेंटर बेस्ट है। एंड यहाँ वन वर्ल्ड के पास में ही 9/11 का मेमोरियल भी है, जहाँ पर उन्होंने सबके नाम लिखे हुए हैं जिनकी लाइफ चली गई थी 9/11 में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे बिल्कुल सामने ही मेमोरियल है, एंड यहाँ पर ये वन वर्ल्ड है। तो ये मेरे सामने ग्राउंड ज़ीरो 9/11 मेमोरियल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहले यहाँ होते थे, उसके सामने इन्होंने ये मेमोरियल बनाया हुआ है। एंड यहाँ ये पूरा स्क्वायर है, एंड हर उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसकी उस अनफॉर्चुनेट इवेंट में लाइफ चली गई थी। एंड यहाँ इस मेमोरियल पे अभी तक उन लोगों की फैमिलीज आती है विज़िट करने, बहुत लोगों ने आके फ्लैग लगाए हुए हैं एंड फ्लावर्स, एंड काफ़ी सारे मुझे इंडियन नाम भी दिखे। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक एंड सैडेस्ट इंसिडेंट मैं कह सकता हूँ हिस्ट्री में। एंड आप जो ये सामने मेरे अजीब सी बिल्डिंग देख रहे हो, इसे ऑक्यूलस कहते हैं। ये भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसके अंदर भी आप जा सकते हो। ये एक्चुअली एक ट्रेन स्टेशन भी है। तो ये जो ऑक्यूलस है, ये बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसका ट्रेन स्टेशन है, सबवे एंड ट्रेन स्टेशन। फाइनली पहुंच गया हूं यहां ब्रुकलिन ब्रिज, एंड एज द नेम सजेस्ट, ये ब्रिज कनेक्ट करता है यहां मैनहट्टन को ब्रुकलिन से। ब्रिज के पीछे मेरे मैनहट्टन है, एंड उस साइड है ब्रुकलिन, जो एक और बहुत मेन पार्ट है यहां न्यूयॉर्क सिटी का। एंड ब्रिज के उस साइड से मैनहट्टन के व्यूज़ बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि पूरी मैनहट्टन की स्काईलाइन दिखती है। तो एंड तक वॉक करके चलते हैं एंड देखते हैं पीछे की स्काईलाइन कैसी लगती है। एंड बहुत ही एक फेमस फ़ोटो स्पॉट भी है, बट अगर आपको मतलब बहुत अच्छी फ़ोटो चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल सुबह सुबह सनराइज़ के टाइम पे यहाँ आओ। उस टाइम पे एक बंदा भी नहीं होता, इस टाइम पे आई थिंक अभी पूरा भरा हुआ है, बट मेरा सुबह सुबह आने का मन नहीं था, क्योंकि ये वाली जो साइड है लोअर मैनहट्टन, ये थोड़ी दूर भी है, अराउंड 40-50 मिनट लग जाते सबवे में। पीछे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन है। एंड वो जो आप सामने मेरे ब्रिज देख रहे हो, वो है मैनहट्टन ब्रिज। वो इतना पॉपुलर नहीं है, वहाँ से सिर्फ ट्रेन चलती है। सबसे फेमस तो ये ब्रुकलिन ब्रिज ही है, बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी आपको देखने को मिला होगा ये ब्रिज। यार ये पूरी सिटी ऐसी है न्यूयॉर्क कि आप कहीं भी जाओ, हर जगह इतने सारे पिक्चर स्पॉट्स हैं, पूरी सिटी पिक्चर परफेक्ट है। ब्रिज के उस साइड जाने का मन तो बहुत था, बट यार जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी लंबा ब्रिज है, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर लंबा होगा। तो वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि फिर वापस भी यहीं मैनहट्टन मुझे वॉक करके आना पड़ता। तो मैंने सोचा व्यू वगैरह तो एंजॉय कर ही लिया है यहाँ ब्रिज से, एंड अब वापस मैनहट्टन ही चलते हैं और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं।